हेलो वेलकम थोड़े अपने चैनल मेहनती बच्चे च। सो अज की वीडियो दे विच रिपब्लिक डे बारे डिस्कस करांगे। इस साल आपने 70th रिपब्लिक डे सैलीब्रेट किया है। जिहड़ा ए टॉपिक है वह आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थोनों पता होने चाहिए हैं अज की वीडियो दे विच वो डिस्कस करांगे। ये तो पहला एक वीडियो एवें ही टॉपिक के उपर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसी खेलो यूथ इंडिया। ओके सो ओ वाली वीडियो भी जरूर देखियो जिन्होंने वो नहीं देखी, जो फस्ट टाइम ये वीडियो नू वॉच कर रहे ने। आने वाले एग्जाम्स दे विच ये टॉपिक्स जिहड़े मैं पा रही हूँ ना टॉपिक वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो इलावा अपने जिहड़े करंट अफेयरस हैं अगस्त तो लैके अगस्त 2018 तो लैके फैब 2019 तक के सारे करंट अफेयरस हो चुके हैं। सो करंट अफेयरस वो वीडियो जरूर देखो, थोनू बहुत ही फायदा रहूगा। ओके सो जिहड़े बच्चों ने चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब करो तो बैल आइकन टैप करो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन थोड़ा टाइम टू टाइम मिलती रहन। सो अज की डिस्कशन नू स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला रिपब्लिक डे, देखो रिपब्लिक डे क्यों सैलीब्रेट करते हैं आपां, बिकॉज हुण थोनू सारयां नू पता है आपां 26 जनवरी नू रिपब्लिक डे सैलीब्रेट करते हैं। हुण उहदा कारण की है, बिकॉज 26 जनवरी 1950 दे विच, ठीक है, जिहड़ा अपना कॉन्स्टिट्यूशन सी उहनू लागू किया गया सी या बोल सकते केम इन टू फोर्स कदों 26 जनवरी 1950। सो वो चीज़ नू सैलीब्रेट करन दे लई आपां हर साल 26 जनवरी नू रिपब्लिक डे सैलीब्रेट करते हैं। सो इस साल जिहड़ा अपना रिपब्लिक डे 70th रिपब्लिक डे दी तरह आपां ने सैलीब्रेट किया। ओके वो तो बाद हुण थोड़े जे आपां इस साल दी हाईलाइट्स पढ़ते हैं। सब तो पहला जिहड़ा क्वेश्चन आंदा है वो पुछदे हैं कि चीफ गैसट कौन सी। चीफ गैसट रिपब्लिक डे ते चीफ गैसट नू इनवाइट किया जाता है। सो इस साल दे जिहड़े चीफ गैसट हैं वो हैगे प्रेजिडेंट साउथ अफ्रीका दे, जिन्हां दा नाम है साइरल रामाफोसा। ओके ये कौन है, प्रेजिडेंट है साउथ अफ्रीका दे। सैकेंड गल, जिहड़ा इस साल दा रिपब्लिक डे है वो किन्ना दी लाइफ के उपर बेस सी। सो जिहड़ा थीम रहा, जिवें आपां नू पता है ना रिपब्लिक डे दे विच झांकियां कढ़दे हैं अलग अलग, जिन्हों टैबल्यू बोलते हैं TABLEAU, ठीक है, झांकियां हो गया मतलब। सो अलग अलग जिहड़ी अपने कोल स्टेट्स है उन्हां दी अलग अलग झांकियां होंदियां, कुछ मिनिस्ट्रीज दी झांकियां होंदियां। ओके जिहड़ा उन्हां दा थीम रहा इस साल वो सीगा रिलेटेड टू लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, एवें क्यों, बिकॉज ये साल महात्मा गांधी जी की 150th बर्थ एनवर्सरी है। ओके सो वो चीज़ नू सैलीब्रेट करन दे लई जिहड़ा अपना रिपब्लिक डे दा थीम सी उन्हां दी लाइफ दे नाल रिलेटेड रहा। वो तो बाद थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं, कुछ जिहड़ी झांकियां सी या आपां इहनां नू टैबल्यू बोल सकते हैं उहदे विच कुछ मेन चीज़ां डिस्कस करते हैं। सब तो पहला आपां गल करते हैं पंजाब टैबल्यू दा थीम की सी। ठीक है, जिहड़ा अपना पंजाब है उहदे टैबल्यू दा थीम की सी, सो वो सी जलियां वाला बाग मैसकेयर। जलियां वाला बाग मैसकेयर, ओके इहदे रिगार्डिंग सी। वो तो बाद एक मेन महाराष्ट्र दा पता होना चाहिए दा कि महाराष्ट्र दा की थीम सीगा उहदी झांकी दा, सो वो सी क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, वो तो बाद जिहड़ी थर्ड गल है वो हैगी है कि जित्या कौन। ठीक है, सब तो बेस्ट किहदा सी, सो फस्ट प्राइज जिहड़ी स्टेट दी टैब्यू नू मिले वो हैगी है त्रिपुरा, इहनू फस्ट प्राइज मिले। ठीक है, इहदी झांकी नू, सो इहदी झांकी किहड़े थीम दे उपर बेस सी, वो हैगी है इंपावरिंग रूरल इकोनमी द गांधीयन वे, कि रूरल इकोनमी नू इंपावर करना गांधीयन वे दे विच। ओके इंपावरिंग रूरल इकोनमी इन गांधीयन वे। ओके वो तो बाद सो फोर्थ चीज़ देखते हैं, कुछ मेन गल करते हैं। देखो ये ऐसा फर्स्ट टाइम होया है कि चार इंडियन नेशनल आर्मी दे वेटेरियंस, वेटेरियन मतलब हुंदा है कि वह लोग जो कि अपनी
मतलब जो काफ़ी सालों तो किसी फील्ड के नाल रिलेटिड होन, उन्होंने वेटेरियंस बोलते हैं। ओके सो ऐसा फर्स्ट टाइम होया कि चार इंडियन दे वेटेरियंस जिन्हों की जी एज आ 90 ईयर्स तो उपर की है, उन्होंने पार्टीसपेट किया परेड के। ओके सो उन्होंने नाम भी मैं दस दिनी है। सब तो पहले है परमानंद, सैकेंड है ललती LALTI ललती राम, थर्ड है हीरा सिंह एंड फोर्थ वन इज बागमल। ओके इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया परेड फर्स्ट टाइम, तो इन्हों की जी एज है वो 90 ईयर्स तो अबव है। सो नाम पूछ सकते हैं। ओके परमानंद, ललती राम, हीरा सिंह एंड बागमल। और तो बाद फिफ्थ जो फैक्ट है वो हैगा रिगार्डिंग असाम राइफल्स। देखो ऐसा फर्स्ट टाइम होया कि जिहड़ी ऑल वुमेन असाम राइफल कॉन्टीजेंट है, ऑल वुमेन असाम राइफल्स कॉन्टीजेंट इन्होंने पार्टिसिपेट किया परेड दे विच। ये फर्स्ट टाइम होया सो इहदे उपर क्वेश्चन आ सकदा है। तो जिहड़ी ए वाली अपनी कॉन्टीजेंट है इहनू लीड किने किया, सो उन्हां दा नाम भी पता होना चाहिए। वह हैगी है खुशबू कनवर, वेरी इंपॉर्टेंट नेम खुशबू कनवर। ओके उस तो बाद एक छोटा जा फैक्ट होर है। देखो ये ना जी परेड है ये अपने कोल M777 जो कि अमेरिकन हॉविस्टर्स हैं उन्होंने डिस्प्ले किया गया। ये तो इलावा अपने कोल T90 जो कि मेन बैटल टैंक है इनू डिस्प्ले किया गया। तो नाल ही थर्ड जी इंपॉर्टेंट है वो हैगी अपनी आकाश वैपन सिस्टम। इनू भी डिस्प्ले किया गया। तो जिहड़ा आकाश वैपन सिस्टम है इंडिजीनियसली डिवेलप्ड है, ठीक है, मतलब इनू इंडिया च ही बनाया गया है। सो ये फैक्ट्स जेडे कि थोनों 26 जनवरी दे इस साल दे पता होने चाहिए हैं। ओके सो इन्हां विचों एक्सपैक्टेड है कि एक अद्धा क्वेश्चन थोनों पेपर च दिख जूगा, सो इनू अच्छे तरीके नाल सुन लियो। ओके सो मिलते हैं न्यू वीडियो दे विच। आज लई इन्ना ही, थैंक यू सो मच।